हेलो दोस्तों, आज आप बनाना सीख रहे हैं कच्चे केले की भुजिया। कभी कभार क्या होता है कि घर में जो है कुछ रहता नहीं है और बैचलर लोग ये सोचते हैं कि क्या बनाएं जल्द से जल्द, और जल्द से जल्द हम दाल चावल के साथ क्या खा सकते हैं। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कच्चे केले की भुजिया, जिसमें कच्चा केला आप ले लीजिए, उसको छिल के ये रख दिया गया है। केले को छिलने के बाद ये हम केले को कट कर लेते हैं। पक्का केला तो सभी खाते होंगे, कच्चे केले का जो है भुजिया ये भी टेस्टी लगता है, सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। ये हमने केला काट लिया है। अब कुछ मसाले इसमें मिलाइए, सिंपल मसाले हैं, हल्दी, कुछ ज्यादा खाते हैं कुछ कम खाते हैं, हम नॉर्मल बना रहे हैं जिससे बच्चे भी टेस्ट कर सके। एक चुटकी भर नॉर्मल और एक चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया। बस इतना ही आपको डालना है और मिक्स कर लेना है। इसको चार इंग्रेडिएंट डाले थे हमने, तो मिक्स कर लिया, हल्दी, नमक, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। ये कढ़ाई हमने चढ़ा दिया है गैस पे, इससे जो है तेल डाल दीजिए। ज्यादा तेल की जरूरत नहीं पड़ती है, 2-3 चम्मच तेल डाल दिया हमने। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हमने केले को थोड़ा दाल पकनी डलाई है, उसको फ्राई कर लीजिए। अब गैस को जो है धीमा करके इसको फ्राई होने दीजिए। तेज गैस में जो है ये अच्छे से फ्राई नहीं होगा। तो हमने गैस जो है धीमा कर दिया है और थोड़ा सा फैला दिया है कुकरों को। नॉन स्टिक कढ़ाई है इसलिए तेल की जरूरत नहीं पड़ती थी, 1-2 चम्मच में हो जाता है। और आपके पास अगर सिंपल कढ़ाई उसमें भी आपका 1-2 चम्मच में हो जाएगा। बस आप इसको फैला दीजिए, तो आप फैला के ढक दीजिए। ये 1 मिनट बाद हमने पानी हटा करके देखा, हल्का हल्का फ्राई हो रहा है, देखिए हल्का हल्का जो है चलो फ्राई हो रहा है। देखिए फिर से सबको जो है अलग अलग कर दीजिए, उस पर ढक दीजिए आप थाली। पाँच मिनट बीत चुका है, बीच खोल के देखती हूँ क्या स्थिति है। ये देखिए दोस्तों, केले की भुजिया जो है बन चुका है। देखिए इसमें तेल भी नहीं है, ये आपका जो है ऑयल की सब्जी है। ये जो है बॉडी के लिए अच्छा भी है और जल्दी से जल्दी बनने वाली सब्जी है। इसमें ज़्यादा इंग्रीडियंट्स की जरूरत नहीं पड़ी हमें, और पट से बन गया और दाल चावल के साथ भी खाइए। ये जो पक गया है, ये हमारा सब्जी जो है बन चुका है। तो ये हमारी सब्जी जो है बन के तैयार है। अब इसको दाल चावल के साथ बना करके टेस्ट करके देखिएगा। तो मिलते हैं झटपट से बनने वाली क्विक रेसिपी अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए,
तो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।